एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। जब घर के बाहर से खून की नदी बहने लगी हो, लोग में हड़कंप मच गया कि आखिरकार सड़क पर इतना सारा खून कैसे आया। अमेरिका के लुसियाना में स्थित ग्रीनोक्स फ्यूनरल होम से अचानक खून बहने लगा। खून इतना ज्यादा बह रहा था कि देखते ही देखते रोड लाल रंग का हो गया। जब से यह एक तस्वीर लोगों के बीच आई है, वे इसकी तुलना हॉरर मूवी से करने लगे हैं। दरअसल जिस बिल्डिंग से इतना सा खून निकला, वह एक शवदाह गृह है। यहाँ काम करने वाले लोगों ने बताया कि पिछले 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। कर्मियों को जैसे ही इसका पता लगा, उन्होंने फौरन सफाई की। साथ ही गलती मानते हुए बताया कि फ्यूनरल होम के सीवेज सिस्टम में लगे एक पाइप के फटने के कारण खून बाहर निकल आया। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उनका सीवेज सिस्टम पब्लिक सीवर से जुड़ा नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। शवों की बदबू मिटाने के लिए उन पर लगाया जाने वाला केमिकल भी खून के साथ लीक हुआ था। इस लिक्विड से लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह फॉर्मल्डिहाइड से बनता है जो कीटाणुओं को मारता है।